दोस्तों देखिए, ये एम्बुलेंस जो है निम्स निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से बॉडी को लेकर के, जी एन साईं बाबा की बॉडी को लेकर के यहाँ जवाहर नगर मौलाली इलाके में पहुँची है और यहाँ जो है लोग श्रद्धांजलि देंगे और इसके बाद यहाँ से इस बॉडी को, क्योंकि उनकी इच्छा थी, वो जो है उनकी शरीर को दान कर दिया जाए हॉस्पिटल को, लिहाजा गांधी हॉस्पिटल है यहाँ 7-8 किलोमीटर दूर, तो वहाँ जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ जो है लोग इकट्ठा हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। वहाँ आपको दिखाते हैं बॉडी जो है अभी यहाँ उतारी जाएगी एम्बुलेंस से और फिर यहाँ रखा जाएगा। दोस्तों देखिए, यहाँ जो है बॉडी रखी जा रही है और यहाँ रहेगी कुछ देर तक, लोग श्रद्धांजलि देंगे और बसंता जी जो उनकी पत्नी हैं वो भी यहाँ पहुँच गई। अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वो रो रही थी, गले मिल रही थी, लोग उनको सांत्वना दे रहे थे। तो बसंता जी, उनके जो परिवार के दूसरे सदस्य हैं, उनके जो चाहने वाले लोग हैं, सिंपथाइजर हैं, वो सारे लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी और उसके बाद जो है फिर यहाँ से जो है बॉडी गांधी हॉस्पिटल की तरफ ले जाई जाएगी और वहाँ उनको जो है अस्पताल को वहाँ सौंप दिया जाएगा, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था। तो बहुत लंबा इतिहास है जी एन साईं बाबा का, संघर्षों में पूरी जिंदगी बीती है। बचपन से ही संघर्ष जो शुरू हुआ तो मरते दम तक जारी रहा। आपको अगर इनका कुछ इतिहास बताने की कोशिश करें तो ईस्ट गोदावरी नगर जो आंध्रा का जिला है, पहले आंध्रा था, उसके जो है अमलपुरम इलाके में साईं बाबा पैदा हुए थे और अभी 5 साल के हुए होंगे तभी उनको पोलियो हो गया और उसके बाद जो है वो 90% के आसपास विकलांग हो गए थे और उसके बाद जो है पूरा जीवन ही विकलांगता में बीता। बहुत छोटे थे तभी जो है इनके पिताजी का निधन हो गया। इनका पालन पोषण जो है इनकी माँ ने किया, जो शिक्षित नहीं थी, बावजूद इसके उन्होंने अपने बच्चे को उच्च शिक्षा दिलाई। एक दलित परिवार से, भूमिहीन परिवार से पैदा हुआ एक बच्चा जो इतनी ऊंचाई तक पहुंचा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के तौर पर इन्होंने रास्ता तय किया, उच्च अध्ययन हासिल किए। वो जो है उस्मानिया विश्वविद्यालय से MA किए, उसके बाद DUC PhD किए, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर रहे और इस दौरान जो है जो मानवाधिकार के लिए उनकी लड़ाई है, लोगों के अधिकारों की उनकी लड़ाई है, देख सकते हैं बसंता जी हैं, आप समझ सकते हैं इस मौके को उनके लिए कितना पीड़ादायक होगा। लगातार 10 सालों तक जो है जेल में रहे जी एन साईं बाबा और उस दौरान भी संघर्ष इनको करना पड़ा, उनके जीवन में रहते भी बसंता जी का यह संघर्ष भुलाया नहीं जा सकता। तो आप समझ सकते हैं कितनी पीड़ा इनके दिल में, मन में, जेहन में है और आज जो खोने का एहसास है वो उनके चेहरे पर दिख रहा है। लगातार बताया जा रहा है कि इसी तरह से ये भावुक हैं, रो रही हैं, बहुत लोग हैं उनके अपने लोग जो लगातार उनको सांत्वना दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कैसे उनको जो है उस एहसास को भुलाने का मौका दिया जाए, उसकी कोशिश की जाए, उसी में लगे हुए हैं।
क्योंकि दूसरे लोग भी समझ रहे हैं पीड़ा बहुत बड़ी है, बिछुड़ने की ही नहीं सिर्फ पूरी एक विरासत को इन्होंने खोया है। मतलब इनका तो बहुत ही निजी नुकसान है, वो उसकी तो कोई भरपाई ही नहीं है। और हम लोग भी मिलते रहे हैं दिल्ली में वसंता जी से, और तमाम जितनी लड़ाइयाँ सड़क की लड़ी गई जियन साई बाबा के अधिकारों के लिए, उनके उनकी रिहाई के लिए, उसमें हमेशा वो आगे रही हैं और यही आयोजक की भूमिका में रही, कह सकते अपने तरीके से। तो ये पीड़ा जो है यहाँ दिख रही है पूरी। देखिए यहाँ बड़ी गैदरिंग हुई है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तेलंगाना पूरा कहिए तो क्रांतिकारी आंदोलन का केंद्र रहा है, और वो जो है उसके कहिए तो विरासत आप यहाँ देख सकते हैं तमाम चेहरों के रूप में जो यहाँ इकट्ठा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा बहुत नज़दीक से, ये जो है ये फोटो जो है देखिए साईं बाबा की, एक लंबी लड़ाई, पूरे जीवन का संघर्ष, आज आखिरी यात्रा पर अभी थोड़ी देर बाद निकलेंगे साईं बाबा और गांधी हॉस्पिटल की तरफ जाएंगे, तो उनके साथ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके साथ चलने के लिए आखिरी यात्रा में यहाँ सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और सब भावुक हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जिन स्थितियों में रहते हुए वो चाहे शारीरिक हो चाहे भौतिक स्थितियाँ, उसमें बहुत ही पीड़ादायक रहा है यह संघर्ष। लिहाजा सब लोग अपने को जो है उनके साथ खड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं और चाहते हैं कि आखिरी यात्रा उनके साथ हो। शुभ नाम अपना बताइए। आई डोंट नो हिंदी, प्लीज यू कैन स्पीक इंग्लिश आफ्टरवर्ड्स जस्ट। देखिए दोस्तों, अभी मैं बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन चेहरे पर आंखों में आंसू है और बोलने की स्थिति में नहीं है। किस लेवल का जुड़ाव है ये समझा जा सकता है। बहुत ही भावुक है, बहुत ही भावुक क्षण है, और हम लोगों को भी इनके एहसास को, इनकी भावना को समझना होगा। और हमको लगता है कि ये कुछ लोगों से मैं बात कर सकता हूँ। हेम जी हैं, देखिए हेम मिश्रा, और साथी थे इनके जेल जीवन के साथ, इन्हीं से बात करते हैं। हेम, अभी आप दिल्ली से आए हैं, तो आज इस पूरी परिघटना को लेके आपकी पहली टिप्पणी क्या होगी? देखिए, जो साईं बाबा, जो एक जनता शोषित, इस देश के शोषित, उत्पीड़ित, दलित, आदिवासी, महिलाएं, नेशनलिटीज, जो तमाम शोषित तबका, उसका एक आवाज़ था, और आज वो हमारे बीच नहीं है। और ये एक विचार था साईं बाबा, और ये इस विचार से पूरा इस देश का सत्ता जो है डरता था, इसलिए उनको ख़त्म करना चाहता था। तो हम लोग पूरे एक 10 साल तक हम लोग एक अंडा सेल में हम लोगों को रखा गया था, एक पूरा 11.5 साल पूरा केस को हो गया है, और कई कोशिशें थी कि हम लोग बाहर नहीं निकल पाए। हम जमानत हुई, पहले जमानत में बाहर थे, लेकिन उसके बाद सज़ा दे दी गई, सज़ा के बाद हाईकोर्ट ने 2 बार एक्विटल किया, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से हम बाहर निकले, कोई पैरोल नहीं मिला, और उसके बाद हम लोग बाहर आए। और जब साईं बाबा इतने लंबे समय तक जेल में थे, एक 90% डिसेबल्ड व्यक्ति जो कई बीमारियों से पहले से पीड़ित है, तो हार्ट का बीमारी है उसको, ब्लड प्रेशर है उसको, गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उसको बिना दवाओं के, मतलब दवा भी उनको तरसा तरसा कर वहाँ दिया जाता था, समय पर दवा नहीं मिलता था, एक लंबे समय तक एक 90% जो डिसेबल्ड व्यक्ति है उसको इतने लंबे समय तक जेल में रखना, ये एक सिस्टमेटिक हत्या किए जाने के बराबर है। और आज आप देख रहे हैं, जैसे ही हम लोग सारे जो चार, मैं आगे बात करूंगा, अभी जस्ट मैं सवाल भी हमारे कई हैं, लेकिन यहाँ देख लेते हैं। साईं बाबा
हाँ हेमंत जी, मैं आपसे यही जानना चाह रहा था कि जो इनको जेल में जिस तरह से रखा गया, दवाएं नहीं दी गई, क्या माना जाए उसका भी एक असर रहा बाद में, जो तमाम बीमारियों के रूप में सामने आया और हॉस्पिटल में जाके इस तरह की स्थितियों में पहुंचे? देखिए, दवाएं मिलती थी लेकिन टाइम से नहीं मिलती थी, लेकिन उनको जिस तरीके से इलाज की जरूरत थी वो कोई भी सुविधाएं वो जेल के अंदर नहीं थी। और वो जैसे आप देख रहे हैं आज निम्स जैसे हॉस्पिटल में आज ये स्टेज आ गई है कि ऑपरेशन के बाद उसकी मौत हो गई है। ये इसका जो 10 साल का जो लंबा समय है, इसमें उनके हेल्थ की ओर जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, एक आपराधिक कृत्य है, उनके स्वास्थ्य पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया पूरा स्टेट द्वारा, जेल अथॉरिटीज द्वारा, ये उसका परिणाम है जिसके कारण आज हमको जो साईं बाबा है उनको यहाँ पर श्रद्धांजलि देने तो क्या इसको माना जाए कि कोई मौत नहीं बल्कि राज्य हत्या है? ये स्टेट द्वारा की गई हत्या है। मैं इस बार से पूरी तरह सहमत हूँ, ये सुनियोजित हत्या है। और जैसा कि आप चाहे हमारे जजमेंट में जाएंगे उसमें साफ साफ लिखा है कि जो पनिशमेंट लाइफ पनिशमेंट है ये कम है इनके लिए। हर जगह आप देखेंगे हमें बेल देने में, हमें पैरोल देने में, हमें बाहर निकलने में लगातार जो अवरोध लगाते रहे हैं, और वो चाहते कि ये लोग जेल, तो ये मकसद था एक सुनियोजित तरीके की एक मर्डर है। अच्छा, एक आखिरी सवाल इसी में पूछेंगे, आपके साथ चूंकि साईं बाबा रहे, उस दौरान जो आप लोगों का इंटरेक्शन होता था, जो बातचीत होती थी, उनके मनोबल, आत्मविश्वास और तमाम दूसरी चीजों में क्या फर्क देखते थे, किस तरह से वो बात करते हैं, कुछ अगर यादें? देखिए, मैं जो अंडर ट्रायल के दौरान एक साल से ज्यादा मैं साईं बाबा के साथ रहा, और सजा के बाद 2 हफ्ते तक उनके साथ था, उनके सेल में भी था। और लेकिन इन तमाम दिक्कतों के बावजूद, जो साईं बाबा का जो फिजिकल है, मेडिकल जो प्रॉब्लम है, उसके बाद भी लेकिन मैंने कभी उस आदमी को हिम्मत हारते हुए नहीं देखा। और वो आदमी हमेशा एक विश्वास करता था, उसको विश्वास था कि एक दिन हम बाहर निकलेंगे, और हमेशा एक बहादुर मतलब हिम्मत के साथ वो वहाँ रहे हैं। और एक विल पावर उस इंसान की बहुत सबसे ज़्यादा थी, और उसी विल पावर के से ही वो इतने साल पूरे जेल के अंदर निकाल पाए, और ये सबसे बड़ी खासियत उनकी ये थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि वो इंसान जो विचार के लिए जिया, पूरा जिंदगी उसने जो जिया, मैं एक लास्ट इंटरव्यू देख रहा था कॉमरेड सीताराम येचुरी का, जो फ्यूनरल हो रहा था, श्रद्धांजलि सभा हो रही थी, उनका एक वीडियो में देख रहा था, तो वो बोला कि आज जैसी स्थिति में हम जी रहे हैं इसका समाधान एक सोशलिज्म में है। तो वो विचार एक मरते दम तक उनके साथ रहा, ये सबसे बड़ी बात उस कॉमरेड के अंदर थी। वो विचार के लिए ही जेल में गया और मरते दम तक उस विचार के साथ, पूरा बहादुरी के साथ खड़ा रहा, ये सबसे बड़ी खास बात उसके साथ। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं हेम, जो है कि जो प्रतिबद्धता थी एक विचार के प्रति, वो सोशलिज्म के प्रति अभी भी अंतिम दम तक प्रतिबद्ध थे, वो किसानों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों की लड़ाइयों और उनके अधिकारों के प्रति प्रतिबद्ध थे, और वो अंतिम दम तक बना रहा। वो जो हौसला था, जो विल पावर था, वही शायद चीज थी जो उनको जिंदा रखे हुए थी। 10 सालों के कठिन संघर्ष के बाद भी वो उनके अंदर जिंदा थी, मतलब जेल में रहते हुए भी, जेल के बाहर आए शारीरिक तौर पर जो है पूरी तरह से जो है कहिए तो अक्षम हो गए, 90% शारीरिक तौर पर थे, और बीमारियों ने उनको बहुत कमजोर कर दिया था, लेकिन उनका जो आंतरिक विल पावर थी, वो जो आंतरिक ताकत थी, वो जो साहस था, वो जो हौसला था, वही उनको जिंदा रखे हुए था, और उसी के सहारे यात्रा चल रही थी, जीवन यात्रा, लेकिन एक अंतिम मुकाम पर पहुंच गई। आज हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से अंतिम यात्रा शुरू होने जा रही है, और अगर कुछ और लोगों से हम बात करना चाहें
तो देखते हैं कि मैं आपसे बात करना चाहूँगा, दिल्ली से आया हूँ, तो क्या कहना चाहेंगे जो पूरा जो है जिस तरह से मौत हुई है, और इसमें माना जा रहा है कि ये राज्य हत्या है, सरकार द्वारा की गई हत्या है, मौत नहीं है सामान्य, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर हरगोपाल है जी। मैं साहबाबा डिफेंस कमेटी का चेयरमैन जी, जी। ये राज्य हिंसा कहने के लिए उसमें को हमारे को कुछ शक नहीं, ये राज्य का हिंसा ही है। एक आदमी 90% डिजेबल्ड है, उनका पांव नहीं है, हाथ पैर नहीं है, ऐसा आदमी को आप इतना परेशान करें कि इसमें राज्य का सवाल है और जुडिशरी का भी फेल्योर है और एक यूनिवर्सिटी का फेल्योर है, एक जेल सिस्टम का फेल्योर है। ये एक संस्था नहीं है, सब संस्था जो है यह ऐसा काम करे कि ये आदमी क्या कर सकता है, ये तो जंगल को जाके तो लड़ नहीं सकते, उनको पाँव ही नहीं। उनका एक विश्वास है ये समाज बदलना, एक मानवीय समाज जाना, एक विश्वास है। विश्वास रहना वो तो क्राइम नहीं है ना, एक आदमी का विश्वास ये समाज बदलना वो तो वो क्राइम नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है कि ऐसा तो क्राइम नहीं, किसी आदमी को फेथ रहा को, मगर आदमी का बिलीफ्स के लिए, उनका विश्वास के लिए। अब आज राज्य जो है इतना हैरास करना जो है, कैसा हम जमहूरी है हमारा, जो डेमोक्रेसी जो है कैसा डेमोक्रेसी में है हम? डेमोक्रेसी में तो लोग का बिलीफ रह सकते, हम विश्वास रख सकते, मगर आप एक आदमी को विश्वास, उनका विश्वास के लिए आप इतना हैरान जो कर रहे हैं कि राज्य का स्वभाव क्या हो गया, कैसा राज्य बदल गया? ये राज्य जो है मेरे ख्याल से वो डिह्यूमनाइज हो गया, एक अमानवीय अमानुष का उस दिशा में चले जा रहे राज्य। ये राज्य कितना दिन चलेगा? तो आज जो है वो आदिवासी का लड़ाई चल रहा, साई बाबा आदिवासी के लिए लड़े, दलित के लिए लड़े, वो तो डिजेबल्ड है उनके लिए लड़े, किधर भी जो अन्याय है वो अन्याय के लिए, अन्याय के अन्याय खत्म होना बोल के वो लड़े। तो अन्याय के अगर कोई आदमी अन्याय नहीं रहना बोल के लड़ रहे, तो राज्य जो है इतना पीछे पड़ के जो करे हैं, आज राज्य उसको आंसर करना पड़ेगा। साई बाबा का जो देहांत मरण हो गए, जो त्याग हो, इसके लिए कौन जवाबदार है? जी, ये इसी जुड़ा हुआ सवाल है कि एक बार जब न्यायालय से, न्यायपालिका से बाइज्जत बरी कर दिए गए, तो ये जो पूरा पीरियड था जिस तरह से अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से फिर उनको रखा गया जेल में, पूरा जिंदगी का नुकसान हुआ, वहाँ से टर्मिनेट किए गए, इसकी क्या भरपाई है, इसके इसको किस रूप में देखते हैं? मांगा जाना चाहिए और राज्य को मजबूर किया जाना चाहिए उसकी भरपाई के लिए? न्याय व्यवस्था जो है, नीचे का जो न्याय व्यवस्था है, वो तो उसको भारत का संविधान, उनको वो उनको समझ में आया नहीं ये तो हमारे को पता नहीं, मगर अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट जो उनको एक्विट करे, जब निर्दोष बोल के एक्विट करे, ये पहले ही करना था, पहले करना था, करना था। मगर ये 10 साल आप एक आदमी को इतना हरास करके, अब आप न्याय तो दिए, मगर न्याय होने के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है उनको इमीडिएटली अपॉइंटमेंट दियो तो वो बच जाते थे, उसके लिए लड़ना पड़ा, अभी लड़ रहे, अभी फैमिली पेंशन है उसके लिए भी लड़, हर एक कदम कदम पर लड़ना पड़ा। ये लड़ाई जो करना पड़ा, इसका कौन जवाबदारी है? तो आज साई बाबा का जो त्याग जो है, उनका मार्टिरडम जो है, उसके लिए जो राज्य व्यवस्था है उसको तो जवाब रहने पड़ेगा। साई बाबा का जो नाम है, उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, वो ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत आगे पीढ़ियों के लिए बहुत इंस्पायरिंग स्फूर्तिदायक रहेगा। और वो आज मर गए, मगर उसका विश्वास, उसका जो सैक्रिफाइस, उसका जो स्ट्रगल है, वो ह्यूमन हिस्ट्री में इंस्पायर करते रहे। अभी कुछ यादें आप शेयर कर सकते हैं, कुछ जो इनकी जीवन यात्रा की, चाहे हैदराबाद में रहते हुए, क्या यात्रा कहे के वो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में
जो जगह मैं पढ़ाता हूँ वो विद्यार्थी आप पढ़ाए थे उनको? नहीं पढ़ाए नहीं, नहीं, नहीं इंग्लिश लिटरेचर था मैं सोशल साइंस। वो जब व्हील चेयर नहीं था तो वो क्रॉल करते थे। अच्छा। हाथ पे हाथ को ग्लव रख के हाथ ऐसा वॉकिंग जो है उनका वॉकिंग पाँव ही नहीं है ना। वो यूनिवर्सिटी में इसी तरह से क्रॉल करके जाते थे वो क्लास को जाने के लिए या ऊपर आने के लिए। वो मैं उनको पहली बार देखा कि वो क्रॉलिंग तो बहुत कठिन रहा होगा उस पढ़ाई का मतलब वही जीवन ही कठिन है ना। प्रकृति उनका पांव बचपन है वो पांव चले गए मगर पांव चले गए तो उसका जो चलना है जो साहस का यात्रा है वो साधारण हाथी है बहुत असाधारण रहा साहस का यात्रा है। वो बाद में वो इंग्लिश लिटरेचर PhD करा जी। और वो जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना और वो बहुत अच्छा पॉपुलर टीचर था और वो कविता लिखे और उसका जीवन के बारे में जो लिखे हैं वो बहुत टैलेंटेड थे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं यहाँ अगर कुछ बात है कुछ आप लोग यादें साझा करना चाहेंगे उनके साथ की। बहुत भावुक हैं लोग देखिए इस समय और सही बात है इनसे कुछ हो बुलवाना ज्यादती होगी लेकिन इसी तरह का माहौल है। आप देखिए सबके चेहरे एकदम उतरे हुए हैं आंखों में आंसू है और जो गमगीन माहौल है पूरा उसको यहाँ देखा जा सकता है। हर चेहरा एक देखिए बहुत नज़दीक से मतलब जैसे परिवार का कोई सदस्य चला गया हो इस तरह का पूरा माहौल है। किस लेवल पर किस तरह का जुड़ाव था ये संघर्षों का जुड़ाव होता है। जब आपके जीवन के संघर्ष के साथ आपको जुड़ा होता है तो आपका अपना हिस्सा हो जाता है और वो हिस्सेदारी वो भागीदारी वो जुड़ाव यहाँ दिख रहा है और इन चेहरों पर भी आप महसूस कर सकते हैं। इन चेहरों को देख करके सबके चेहरे जो है गमगीन हैं और लोग उसी से एहसास से जो है जी रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। मैं लगातार देख रहा हूँ मैं ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा मतलब या तो परिवार में होता है या फिर इस संघर्ष में दिख रहा है जहाँ की लोग जो है अंदर से दुखी हैं मतलब भावनाओं का जो है गुबार उनके चेहरों पर है और वो जो है बेहद परेशान हैं और लग रहा है कि हमने खो दिया एक ऐसा हीरा जो इस समाज के लिए इस देश के लिए जिसकी बड़ी ज़रूरत थी दलितों जो है आदिवासियों और यहाँ के किसानों के लिए भूमिहीनों के लिए जो भी वंचित तबके हैं उनके लिए इसकी ज़रूरत थी। वो चेहरे यहाँ आपको उनके संघर्षों की ये विरासत है यहाँ जो छोड़ के वो गए हैं जो इनके चेहरों पर दिख रही है तो ये है पूरी जो है जीवन यात्रा। एक ऐसा शख्स जो 90% जो है अपने शरीर से विकलांग था और वो जो है 57 वर्षों की अपनी जीवन यात्रा संघर्षों में गुजार दी। बचपन से जो संघर्ष शुरू हुआ वो आखिरी दम तक जीवन के आखिरी मौके तक जारी रहा। 10 सालों का संघर्ष आप समझ सकते हैं 10 साल जेल में बिताना। नेहरू जो है पूरी आज़ादी की लड़ाई में कहा जाता है कि 11 साल जेल में रहे थे और वो जो उनकी विरासत के तौर पर उसके हिस्से के तौर पर माना जाता है आज़ादी की लड़ाई के। लेकिन आज़ादी के बाद कोई एक शख्स अपने लोगों के लिए अपने लोगों मतलब वो जो दलित हैं आदिवासी हैं वंचित हैं और भूमिहीन लोग हैं जो जिनकी लड़ाई अब तमाम पार्टियों ने छोड़ दी है लगता था इनको को संघर्ष चलाना होगा और उसको अपने अंजाम तक पहुंचाना होगा उसके लिए संघर्ष कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा जो है मसला था। यहाँ देखिए जो है पूरा TV मीडिया सब आ गया है और ये सब लोग जो है क्योंकि आंध्रा में संघर्षों का एक लंबा इतिहास है और माना जाता है कि जो भी संघर्ष से जुड़ा हुआ शख्स है वो जो है यहाँ के आम समाज के यत मुख्य धारा के समाज का भी हिस्सा होता है और लिहाजा उसको तवज्जो दी जाती है। उसी का नतीजा है कि यहाँ ये जो है मीडिया के तमाम कैमरे आपके सामने वो दिख सकते हैं उसी रूप में क्योंकि यहाँ के लोग भी जानना चाहते हैं साईं बाबा के बारे में यहाँ उनकी विरासत के बारे में और देखना भी। देखिए CPI के लोग हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये लोग समर्थन में आए हैं श्रद्धांजलि देने आए हैं सामूहिक रूप से इनसे अगर किसी से बात कर सकें। कोई हिंदी इसमें बोल सकता है? हिंदी
शुभ नाम बताइए अपना। संपत राव। संपत जी, आप जो है सीपीआई की तरफ से आए हैं श्रद्धांजलि देने, किस रूप जी? सीपीआईएमएल, न्यू डेमोक्रेसी। ओ, सीपीआईएमएल, सॉरी, हाँ सीपीआई इधर दिख रहा था तो मुझे, हाँ सॉरी, सीपीआईएमएल। ये सीपीआईएमएल कौन है? सीपीआईएमएल न्यू डेमोक्रेसी का। अच्छा, तो किस रूप में देखते हैं इनकी लड़ाई को, इनकी विरासत को, इनके पूरे संघर्ष को? संघर्ष तो हम देखते हैं, 50 साल से चल रहे हैं। 50 साल से चल रहा है, नक्सलबारी से शुरू है। इससे पहले इधर ये धरती में तेलंगाना आर्म स्ट्रगल हुआ था, वही स्पिरिट है कम्युनिस्ट मूवमेंट में। सब साल का कम्युनिस्ट मूवमेंट में ये लड़ाई बड़ा लड़ाई है, 50 साल से आगे कंटिन्यू चल रहे। अपना कॉमरेड साई बाबा 90% डिजेबल्ड, मगर उनका संघर्ष तो सब लोगों का जैसे और बढ़ के बुद्धिमान के बहुत, या आम आदमी के बारे में काम करे। वो दंडकारण्य का मूवमेंट को सपोर्ट करा एज असिस्टेंट प्रोफेसर, इज वर्किंग असिस्टेंट प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी का। मगर आदिवासी दंडकारण्य आदिवासी धरती के लिए लड़ा है, वो आदिवासी मूवमेंट है और लिबरेशन मूवमेंट भी है। हिंदुस्तान पूरा विमुक्त होने के लिए पूंजीवादी लोगों के खिलाफ लड़ना है, भूस्वामी वो कैपिटलिस्ट लोगों के खिलाफ ये लड़ना है। ये लड़ना और चलेगी और आगे बढ़ेगी जी। साई बाबा अमर ये कारोबार बढ़ता रहेगा। जी, शुभ नाम अपना बताइए। मेरा नाम बालामलेश है। हिंदी बोल लेंगे ना? तो आप सीपीआई से पूरा देख रहे हैं जी, आए हैं श्रद्धांजलि देने, किस रूप में देखते हैं इनके संघर्ष को, और जो मौत हुई है इसको आप किस रूप में देखते हैं? सीपीआई स्टेट काउंसिल, तेलंगाना स्टेट काउंसिल, तो साई बाबा का मरने के लिए हम सॉलिडरिटी दे रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी से। 10 साल से उन्हें जेल पे है, 10 साल पे आफ्टर कोर्ट निर्दोषी बोल के बोले, निर्दोषी होने के बाद अभी कम से कम उसका। तो दोस्तों देखिए, यहाँ हमने कोशिश की जो है, जब यहाँ बॉडी रखी गई है, तमाम लोगों से बातचीत करने की, उनका रिएक्शन लेने की, और यहाँ देखिए पूरा डेलीगेशन आ रहा है, नया डेलीगेशन आ रहा है, लोग इकट्ठा होकर आ रहे हैं और अपने तरीके से क्रांतिकारी अभिवादन करके उनको आखिरी विदाई दे रहे हैं। और ये पूरा जो है अपने तरह का अलग ही एक कल्चर है जो कम्युनिस्ट मूवमेंट और पूरा कम्युनिस्ट पार्टी में चलता है, और मानते हैं कि कोई ये मौत नहीं है, ये विरासत है और इस विरासत को आगे बढ़ाना है, इस संकल्प के साथ जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कुछ इसी तरह का माहौल यहाँ है। बाकी अभी हम इसको यहीं समाप्त करते हैं, अभी जब यहाँ से बॉडी जो है गांधी हॉस्पिटल की तरफ जाएगी तब हम फिर आपके साथ रहेंगे, आएंगे और उन सब स्थितियों का जायजा लेंगे और आप तक पेश करने की कोशिश करेंगे।